तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं ऑर्च फार्मा शेयर के ऊपर। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्राइस के बारे में, इसके प्राइस एनालिसिस करने वाले हैं और अभी हाल फिलहाल में आप लोग करेंटली कितना तगड़ा मूव इसमें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अगर आपने बाय करके रखा है तो आपके भाई वारे न्यारे हो रहे होंगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, आपके पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया सा ग्रीन हो चुका होगा। लाल है करते करते ग्रीन है करो अब। ठीक, सो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दो किसका पोर्टफोलियो ग्रीन कर दिया है इस शेयर ने। जिसका लाल है अभी भी वो भी अपना बता दे किसका पोर्टफोलियो लाल है। अगर आपका लाल है आ जाओ हमारे चैनल पे, ग्रीन करवा दूंगा। सो देखो अब बात करते हैं हम लोग इसमें, इस वीडियो का मेन पर्पज क्या है बनाने का। एक तो इस शेयर के प्राइस एनालिसिस सिखाने का, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने का इस शेयर में चल क्या रहा है, कहाँ पे हम लोग को बाय करने का मौका था और क्या अभी बाय कर सकते हैं या हम लोग को टारगेट बुक करना चाहिए, पूरी बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको ये भी सिखाने वाले हैं कि हम लोग को ब्रेकआउट हम लोग क्यों नहीं ट्रेड करते हैं। पूरी पूरी वर्ल्ड, पूरी मार्केट, पूरी इंडिया ब्रेकआउट के पीछे भाग रही, बट हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है उसका रीजन देने वाला हूं मैं आप लोग को इस वीडियो में। तो देखो उसका मेन बेस्ट ऑफ बेस्ट रीजन ये है कि ब्रेकआउट जो जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं ना, वो आप कभी कैप्चर नहीं कर सकते हो। वो आपके पास कभी ब्रेकआउट जो होगा वो कभी कहेगा ही नहीं ये मैं यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा हूँ, आ जाओ मुझको खरीद लो, मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके आपको बढ़िया टारगेट दूंगा। ऐसा अगर आपको कोई ब्रेकआउट दे रहा है वो फॉल्स ब्रेकआउट है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ब्रेकआउट कैसे होते हैं ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये गैप दिख रहा है, ये है ब्रेकआउट। आपको जो रियल जेन्युइन ब्रेकआउट होता है वो कभी एंट्री लेने का मौका ही नहीं देता है, इतना तगड़ा गैप अप दे देगा या इतना तगड़ा मोमेंटम दे देगा, ऊपर के सर्किट हिट कर देगा ताकि आपको मोमेंटम में शामिल होने का मौका ही नहीं मिले, वो होते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट। ओके सो देखो कहाँ पे ब्रेकआउट था यहाँ पे और कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, पहले वो डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट कहाँ पर था। यहाँ पे देखो अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये जोन जो है ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका रीजन अगर आपको नहीं पता है तो आप चार्ट पे देख के बहुत लोग समझ गए होंगे, बट नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ, जो समझ गए वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियो को। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, देखो यहाँ पे आया मार्केट, सेलर्स मार्केट डाउन साइड ले गए, अगेन यहाँ पर आया पिन बार कैंडल बना रही, ये देखा देख पा रहे होंगे आप लोग पिन बार कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट आया वापस से सेलर्स नीचे ले गए, मार्केट ने वापस से अपसाइड मोमेंटम लाने की कोशिश करी बट सेलर्स अगेन इस एरिया के पास आने से पहले ही मार्केट को नीचे ले जा पा रहे थे। ओके यहाँ पे वापस से बायर्स में स्ट्रेंथ आई, बायर्स में जोश आया, बोला हाउस द जोश, हम मार्केट को अपसाइड ले जाएंगे। ओके बट मार्केट ने क्या करा, रेजिस्टेंस एरिया पे आया वापस से फॉल्स ब्रेकआउट, ये जो देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी करा होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय करी होगी शेयर की, मतलब कॉल क्या बाय करा होगा शेयर को और सोचा होगा भाई यहाँ का टारगेट मिल जाएंगे, टारगेट आए यहाँ तक के, बट क्या आपकी इतनी होल्डिंग कैपेसिटी है, क्या आपके पास इतना रिस्क कैपिटाइट है कि आपने यहाँ से लेके जो यहाँ पे ये डाउन साइड का मोमेंटम आया है इसका रिस्क झेल पाओ। बहुत सारे लोगों की नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो क्या रीजन है जो रियल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, लोगों को दिखाया कि मैं ब्रेकआउट दे रहा हूँ आओ मेरे पास एंट्री ले लो, बहुत लोगों ने एंट्री ली बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखो अब बारी आती जब रियल ब्रेकआउट की, यहाँ पे रियल ब्रेकआउट आया ठीक, बट लोगों के पास क्या थी, स्ट्रेंथ नहीं थी बिकॉज उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है शेयर में। सो इस वजह से वो मार्केट से आउट हो चुके थे, और मार्केट तभी मोमेंटम करता है जब मार्केट के पास ज्यादा लोग ना हो, मार्केट में कम लोग पार्टिसिपेट करें, मार्केट सबको अमीर नहीं बनाना चाहता है। ओनली ऐसा क्यों होता है 90% पीपल लॉस करते हैं और सिर्फ 10% ही कमाते हैं, बिकॉज मार्केट बहुत ही कम लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है। ये मार्केट की खुद का साइकोलॉजी, मार्केट की बिहेवियर है, और मार्केट की साइकोलॉजी भी नहीं ये पर्सन की साइकोलॉजी, सब लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और उसी का मार्केट फायदा उठा के आपका लॉस करा दे। तो देखो यहाँ पे रियल ब्रेकआउट आया था, लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट को नहीं ट्रेड करा बिकॉज उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, उन्होंने उनको लगा वापस इससे रेजिस्टेंस के नीचे जाएगा, और लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी, बल्कि ब्रेकआउट आने के जब रियल ब्रेकआउट आने वाला था तो लोगों ने सेलिंग करी और वापस से अपने क्या खाए, SL खाए, अपने वापस से उन्होंने क्या करा, SL स्टॉप लॉस हिट करवा लिए दो बारी, यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस हिट कराए, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट कराए, और फिर वो मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट खराब है, मेरे लिए मार्केट नहीं बना। भाई मार्केट के उतना लायक तो बनो, मार्केट को सीखो पहले, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। यही रीजन है कि हम लोग कभी रियल ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रियल ब्रेकआउट इतना जेन्युइन होते हैं, जो जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं इतने तेज होते हैं कि आप लोग उसमें एंट्री ही नहीं कर पाओगे। और एग्जैक्टली आप लोग सामने लाइव में एग्जाम्पल और लाइव प्रूफ दे रहा हूँ, ये जेन्युइन ब्रेकआउट था, यहाँ पे आप लोग एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग को एंट्री कहाँ पे मिलनी चाहिए थी। अब एंट्री देखो जिन्होंने यहाँ पे करी वेल एंड गुड है, वो यहाँ पे टारगेट अपने बुक कर लीजिए, बट जिन्होंने यहाँ पर कहीं एंट्री करी है
उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए इस ब्रेकआउट पे जिन्होंने एंट्री करी, इस पिन बार स्ट्रेटेजी पे। अगर आपको पिन बार स्ट्रेटेजी नहीं पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, एक फ्री कोर्स है हम लोग का, उसका लिंक दे दूंगा आपको पिन बार स्ट्रेटेजी की। ओके देखो यहाँ पर आपको 513 के पास स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए था। ओके और जिसका जिसने यहाँ पे 513 या 515 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करा है वो अच्छे खासे अभी 50 प्लस पॉइंट में प्रॉफिटेबल है। ओके सो अब देखते हैं, अब अगर आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनानी है तो क्या आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब आपको यहाँ पे कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बनानी, अगर आपने फ्रेश एंट्री बनाई तो आपका वापस स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, बिकॉज मार्केट पहले से ही इतना ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट को अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन चाहिए, मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होना चाहिए। बिकॉज देखो मार्केट के तीन फेज होते हैं, अगर आपको तीनों फेज नहीं पता है तो वो अलग वीडियो में मैं समझा दूंगा, बट ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अपनी वीडियो यहीं रखते हैं, इतना ही डिस्कस करते हैं। अभी बस आप लोग को ये माइंड में रखना है, अब अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है बिल्कुल भी मत करिएगा। ओके जब अब बस आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे लोग का जब भी नेक्स्ट वीडियो आए जिस भी शेयर से रिलेटेड आए वो आप देखें, मार्केट को उससे समझें और मार्केट की साइकोलॉजी को समझें, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस हिट करने से बचें। और ऐसे ही मैं जेन्युइन ट्रेड्स भी आपको बताते रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो अगर जो भी आपका अगर आप लोग हमारे ट्रेड्स के ऊपर वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग को बहुत सारी लर्निंग, और लर्निंग अगर आएगी तो आप लोग के पास पैसा अपने आप ही, लर्निंग के साथ अर्निंग अपने आप ही होगी। ओके सो सी यू सून, टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस।